देश दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें एक्सप्रेस न्यूज, और नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। घाटशिला में चकुलिया कब्रिस्तान के पास मालगाड़ी की चपेट में आने से सब्जी विक्रेता की मौत हो गई है। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। युवक की पहचान विकी अंसारी के रूप में की गई है। सिमडेगा में शिवालय कंस्ट्रक्शन के कैशियर धर्मवीर 24 लाख से ज्यादा रकम लेकर फरार हो गए हैं। सिमडेगा पुलिस ने आरोपी कैशियर के घर से 21.50 लाख रुपए बरामद किए हैं। आरोपी कैशियर फरार बताए जा रहे हैं। वहीं कंपनी के अधिकारी के द्वारा सदर थाना में कैशियर के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए आरोपी कैशियर के नालंदा स्थित घर से पैसे बरामद किए। 26 जनवरी को जिला मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम जिला मुख्यालय के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा। ध्वजारोहण उपायुक्त भोर सिंह यादव करेंगे और झंडे को सलामी देंगे। वहीं उपायुक्त यादव व एसपी वाईएस रमेश संयुक्त रूप से परेड का निरीक्षण करेंगे। इस बार यहां सभी स्कूलों के आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। आईआरबी झारखंड सशस्त्र पुलिस बल और होमगार्ड के जवानों की ओर से यहां बीते 19 जनवरी से ही परेड की तैयारी की जा रही है। गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र अंतर्गत सड़क हादसे में घटनास्थल पर ही महिला की हो गई मौत। आपको बता दें कि यह मामला रंका थाना क्षेत्र के सीगी ग्राम निवासी प्रेम यादव की 52 वर्षीय पत्नी का है। पोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव ने किसानों के समर्थन में 31 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने का लिया संकल्प। उन्होंने कहा, गोड्डा लोकसभा के जितने भी किसान हैं, इस रैली में सम्मिलित होकर सरकार को ये दिखाना है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान ही नहीं, बल्कि झारखंड और बिहार के भी किसान कृषि बिल के विरोध में है, और सरकार को किसानों की मांग माननी ही पड़ेगी। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत झारखंड सरकार के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख देवघर जिले अंतर्गत चल रहे मत्स्य पालन हेतु योजनाओं का निरीक्षण करने को लेकर देवघर प्रखंड के कुमेठा अवस्थित मत्स्य पालन योजना का निरीक्षण करने पहुंचे। कृषि मंत्री ने योजना देखकर काफी खुश हुए और जिला मत्स्य पदाधिकारी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का संचालित योजना जो झारखंड का नाम रोशन करेगा। उन्होंने लाभुक को धन्यवाद दिया। वहीं संचालित योजना के दौरान 10 किलोग्राम की मछली देखकर सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख काफी खुश हुए। उन्होंने उपस्थित समिति को प्रोत्साहित करने की बात कही। वहीं मौके पर मत्स्य पदाधिकारी ने कहा कि यह योजना काफी अच्छी योजना है। इस योजना के तहत मत्स्यजीवी समिति मेहनत कर रहे हैं, स्वावलंबी समिति बन सकता है। उन्होंने उपस्थित कृषि मंत्री को योजना से रूबरू कराते हुए कहा कि इस योजना में कई प्रकार की मछली मिलती है, जिसमें सिल्वर क्रॉप आदि प्रकार के कई मछलियां शामिल हैं। हाय, क्या आपको पता है मैं इतना रिलैक्स कैसे हूं? क्योंकि मुझे एक सीक्रेट मिल गया है, ज़ेरोसर ऐप। कोरोना से बचना होगा अब और भी आसान जब आप खरीदारी करेंगे ज़ेरोसर ऐप से, वो भी अपने घर पर ही रहकर। स्टे होम स्टे सेफ, ज़ेरोसर ऐप जो आपको बिल्कुल ही मुफ्त उपलब्ध है प्ले स्टोर पे। अपने एंड्रॉयड फोन पे प्ले स्टोर ओपन करें और इसे डाउनलोड करें, और घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ज़ेरोसर ऐप। भोर सिंह यादव, उपायुक्त गोड्डा, आप सभी लोगों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। इस वर्ष का मतदाता दिवस का थीम है मेकिंग अवर वोटर्स एम्पावर्ड विजिलेंट सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। इसका मतलब है कि चुनाव में अधिक से अधिक इन्फॉर्म्ड रहते हुए और अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कराने का लक्ष्य है। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सभी लोग जो भी 18 साल से ऊपर के हो गए हैं, अपना पार्टिसिपेशन कीजिए। जिनका वोटर कार्ड नहीं बना है उनका वोटर कार्ड बना लीजिए। धन्यवाद।